अचानक आप पर फिल्म देखने का भूत सवार हो गया? आप ना मस्त अक्षय कुमार की फिल्म लगाई एकदम कॉमेडी कॉमेडी। मही कॉमेडी फिल्म का भूत नहीं, भूत की फिल्म देखने का भूत सवार है आज मुझ पे। भूत? आज हम दोनों देखेंगे खूनी ना खून। आपको तो पता है ना मुझे सिर्फ भूत की फिल्म से थोड़ा थोड़ा डर लगता है। ए, रिलैक्स, मैं हूँ ना, तुम डर क्यों रहे हो? अरे आप हो लेकिन भूत भाई भी फिर आ जाते। मुझे नहीं देखना ये सब। रिलैक्स, मैं हूँ ना, चल वो भी देखो। हाँ तो आप क्या चाहते हो सागर जी? कैसे भूत के चेहरे की मुंह दिखाई की रस्म हो, खाना वाना हो, उसके बाद मैं सोचा ना भाई ना मुझसे नहीं होगा ये सब। नहीं, तुम पॉपकॉर्न खाओ ना, एंजॉय करो मूवी। ये सब अपने मालकिन, आप रो क्यों रही हैं? आपके नाखून अच्छे से लग रहे हैं। भूत नहीं, हैंगर है। सॉरी सॉरी, मैं मजाक कर रहा था भाई। कितना डरती हो यार भाई, तुम अरे ये मजाक कर रहे तो भूत। सॉरी सॉरी भाई, फिल्म एंजॉय करो ना, क्या जबरदस्त फिल्म है। अब खून का बदला ना खून से नाखूनों से मैं क्या करूंगी? बस बस बहुत हो गया, मुझे नहीं देखना है। और मॉम, उसके बाद डरी हुई मही ने टीवी बंद कर दी। सागर भैया, वो वाला डायलॉग अच्छा था। क्या था वो? खून का बदला नाखून से। हाँ, खून का बदला नाखून से। अगर मैं हीरोइन होती ना तो डायलॉग में ऐड करती कि खून का बदला नाखून से, पर मैं लूंगी अपने फेफड़ों से। ऐसा करके। अरे सोनिया भौजी, फेफड़ों से नहीं, दिल से। मैं बदला लूंगी अपने दिल से। हाँ ऐसा होता है। हाँ पर पौना भैया, दिल से तो रोमांटिक मूवी में होता होगा ना, हॉरर मूवी में तो फेफड़ों से ही होता होगा। सही है भाभी, सही जा रहे हैं। हाँ माई, हमारी प्यारी माई, जिससे दुनिया की सारी चुड़ैले भूत डरते हैं, वो वही भूत की फिल्म से डर के। प्लीजा, आप अपनी बीवी की तरफदारी मत करना, वही डरपोक है तो है। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। okay. मैं ऑफिस जाता हूँ। ओके ओके, बाय बाय एवरीवन, बाय, शाम को मिलता हूँ। yeah, yeah. वेरा खड़ी को भूतिया फिल्मों से डर लगता है। अब आएगा मजा। चलिए भाई, शाशुमा का मस्त धमाकेदार भाषण सुनते सुनते मसालेदार पॉपकॉर्न खाएंगे। जरा एक प्रॉब्लम है, ये भाषण की डीवीडी नहीं आ रही है, तो हम एक फिल्म क्यों ना देखें? मजेदार धमाकेदार फिल्म देखते हैं। चलो चल। फिल्म तो
सासुमा, ये तो वही पिक्चर है जो मैंने और सागर जी ने कल अधूरी छोड़ी थी, ये क्यों देखनी है? अच्छा, तो कोई बात नहीं ना, आज हम पूरी कर देते हैं, देखते हैं, चलो मजा आएगा। लेकिन शशमा वो क्या हुआ मई, डर लग रहा है? नाना लेकिन आज अमावस से है ना सासुमा? हाँ तो और मजा आएगा, अमावस की रात को ऐसी डरावनी फिल्म्स देखने में बहुत मजा आता है। चलो देखो, एंजॉय करो। दादी सास, दादी सास। मैं सिर्फ पानी पीकर आती हूँ शशमा। ये मॉम, भूतनी ने तो सफेद कपड़े पहने हैं, ये विधवा है। तूने पुकारा और मैं चली आई। मेरे लिए क्या लाई? तेरे लिए घोड़े की नाल लाई। अरे दादी सास, अगर मुझे भागना हो ना तो मैं ऐसे भी भाग सकती हूँ, घोड़े की नाल लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। बेबली बेबली, तू कितनी कॉमेडी है। ये जादुई नाल है, इससे भूत भाग जाएगा। लाओ लाओ पापा। भूत तो भाग जाएगा, लेकिन उसकी वजह से तेरे मन में जो भूत का डर बैठ जाएगा, उसे तुझे अपने आप निकालना होगा, हिम्मत करके। कबूल है? ठीक है। वैसे पिया पानी? हाँ। बैठो बैठो, देखो कुछ ज्यादा ही पाउडर लगाया है। ये कैसी आवाज थी? लोखंड का कुछ गिरा, ऐसी आवाज आई ना? वो भूत वाले फिल्म में से आवाज आ रही है सासुमा, ऐसी डरावनी डरावनी। मैडम जी, हम गैस बंद करना भूल गए थे, आओ थे। मुझे रोहित का कॉल आने वाला है, जाती हूँ। ये भूतनी अचानक दिल डरने लगी? बकवास, स्टूपिड बकवास, मुझे नहीं देखनी है तुम देखो, मैं देखनी है। सासुमा सासुमा, मुझे छोड़ के। टीवी बंद कर देती हूँ, मन जो। हाश पापा, कितनी डरावनी भूतनी थी। कैसी भयानक किरणी थी, कैसी घुटन सी हो रही थी। हाँ, ये क्या, मेरे नाखून कहाँ चले गए? और मैं ये कहाँ आ गई हूँ मैं? ये तो वो पिक्चर वाली भूतनी बहन है। हाँ, पिक्चर वाली। पिक्चर में से बाहर कैसे आ गई? लाल लाल होंठ, बड़े बड़े नाखून। तुम्हें पता है इन नाखून से मैं क्या करूंगी? चौकी अब नहीं रहे, क्या करूंगी? चुड़ैल बनने के बाद तुम पहली औरत हो जिसने मुझे बेन कहा है। एक बार फिर से कहो। बेन? एक बार और। बेन? आओ, अपनी इस बेन को प्यार की एक छप्पी दे दो। आओ ना, आओ। क्या हुआ सागर जी? सागर जी, वाह 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 व
वही कॉकरोच था या छिपकली? भूत था। अच्छा वही, मुझे भी दिखाओ कहाँ था भूत। वही थी सागर जी। अच्छा यहाँ पे, अच्छा मैं देखता हूँ। हाय भूत, व्हाट्स अप? वही, यहाँ कोई नहीं है। जी सागर जी, वो वही खड़ी थी, वो बात कर रही थी मुझसे। सागर जी यहीं पे थी, वो यहीं पे थी, वो पता नहीं कहाँ गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है सागर जी। मैंने बात की उनसे, बात की, साक्षात बातें की मैंने उनके साथ। कहाँ गई, कहाँ वो? वही, यहाँ सिर्फ तुम्हारा आशिक है वही। कल रात तुमने फिर से वो भूत वाली मूवी देखी थी ना, इसलिए तुम्हें भ्रम हो रहा है वही। हे भगवान, वो तो भूत बहन है, कहीं भी जा सकती है, कहीं भी छुप सकती है, पता नहीं कहाँ होगी, क्या करी होगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है सागर जी। मही, पहले तुम जाके पानी पियो। पानी? पानी पानी पी लेती हूँ, रसोई घर में भी बहुत सारे काम बाकी है। वो थी, वो यही थी। ओफो, यही। मही के मन से भूत का डर निकालना ही होगा। लाल होठ, लंबे लंबे नाखून, चौकी अब नहीं है। पता है मैं उन नाखूनों से क्या करती हूँ? नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं जाता, मुझे कुछ नहीं जाता, मैंने कुछ नहीं किया पापा। देखिए बहन, मुझे पता ही ना आप टीवी में से बाहर कैसे आई। तुम्हारी वजह से। मैंने क्या किया? तुमने टीवी के पास वो घोड़े की नाल रखी थी ना, उसकी वजह से मैं डर के टीवी के बाहर आ गई। देखिए बहन, वो तो बस मैंने ऐसे भूत भगाने के लिए भेजा था, बाकी बिजू को सुने। हाँ, तभी तो मैं डर के टीवी से बाहर आ गई। अच्छा, तो अब इस घर में से बाहर जाने के लिए क्या करोगे तुम? मुझे क्या पता, ना ही मुझे अंदर आने का पता था और ना ही मुझे बाहर जाने का पता है। अब जो कुछ भी करना है तुम्हें ही करना होगा। अगर आपको कोई देख लेगा तो क्या होगा, क्या जवाब दूंगी? मैंने तो मुझे पता चाहिए कि पहाड़ तोड़ पड़ेगा, घर तोड़ पड़ेगा। ये कहाँ गई? हे भगवान, अगर कोई ने देख लेगा तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। बहन, क्या डर गई? ऐसी डरती है जैसे किसी भूत को देख लिया हो। रे दादी सास, प्रॉब्लम सुनो, प्रॉब्लम। क्या है तेरा प्रॉब्लम? वो आपके गधे की नाल की वजह से। अरे गधे की नाल नहीं होती है, घोड़े की नाल होती है। अरे हाँ, वो डर के मारे ठीक से बोल भी नहीं पा रही दादी सास। आपको पता है वो घोड़े के नाल की वजह से भूत वाले पिक्चर की भूतनी बहन बाहर निकल आई है। अरे वाह, क्या बात है। कोई उपाय, उपाय बताओ, जल्दी से उपाय बताओ प्लीज। उपाय? उपाय नहीं है। मुझे दादी सास, क्या आप ऐसा ही बोलेगी? वो तो मुझे नहीं पता। अरे मैं क्यों लेती हूँ आपकी मदद? आप मदद करती हो फिर ऐसे सब गड़बड़ घोटाला हो जाते हैं, और फिर मदद ही नहीं करती हो। अभी तो कभी मांगूंगी नहीं मदद आपसे। सुन। सुना? कहा? क्या कहा, सुनाओ तो सही। इधर आ, बताती हूँ तुझे। मही, तुम्हें भूतों से डर लगता है ना, इसलिए सारे भूतों की फिल्म की डीवीडी तोड़ रहा हूं। सागर जी! अरे क्या हुआ?
ये वाली फिल्म आधी ही देखी थी ना, तो अभी नहीं, बाद में। मही भी कमाल है, कभी भूत से डरती है तो कभी भूत की फिल्म देखने की बात करती है। लाल लाल होठ, लंबे लंबे नाखून, तुम्हें पता है मैं इन नाखूनों से क्या करूंगी? तुमने मुझे भूत मई को देखा? अच्छा था, मजा भी आया। अच्छा वो सब छोड़ो, मेरे लिए कॉफी बनाओ और मेरे कमरे में भेजो। ओके तो ये तुम्हारी सहेली है? तुम्हारी सहेली भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी है ना, ऐसे गेटअप में ऐसे कपड़े पहन के घर के बाहर घूम रही है। गुड नॉनसेंस। तो सुषमा, सुषमा ठीक तो है ना? नहीं तो मेरे कमरे में चलिए, वरना यहाँ रहेंगी तो आप कांड करती ही रहेंगी। चलो सागर जी, आपका काम कब खत्म होगा? क्यों? वो जो भूत वाली फिल्म हमने अधूरी छोड़ी थी ना, वो आज पूरी देख लेते हैं। भाई एक बात समझनी है, तुम तो भूत की फिल्मों से डरती हो ना, फिर भूत की फिल्म क्यों देखना चाहती हो? अगर डर लग रहा होता तो मैं आपको भूत की फिल्म की सीढ़ी तोड़ने से रोकती थोड़ी ना। हाँ तो अभी कब खत्म होगा सागर जी आपका काम? नहीं नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है। प्लीज सागर जी, ऐसा कर रहे हो आप? काम तो चलता ही रहता है ना सागर जी। अच्छा बाबा ठीक है। भाई कुछ आवाज आई ना? नहीं, क्या क्या हुआ? एक्टिंग सागर जी। मैं अपना काम सेव कर लूं, फिर फिल्म देखते हैं। चलो अब देखते हैं खून का बदला नाखून से।
वही उस रात जब हमने ये फिल्म देखी थी तो इस सीन में उस आदमी के सामने भूत खड़ी थी और वो भूत इससे बात कर रही थी, लेकिन आज भूत क्यों नहीं है? सेम सीन भाई, हाथ हटाओ, आँख तो खोलो, तो आँखें नहीं खुल रही है सागर जी। अच्छा तुम हाथ हटाओ। ओ मम्मी, ओ कौन गई? कचरा, ऐसे कचरा गया। ओह, अच्छा लग रहा है अभी। चलो। और आप क्या कह रहे थे सागर जी? वो टीवी में भूत बहन नहीं है? हाँ। तो हाँ, अजू? बचाओ! लंबे लंबे नाखून, लाल लाल होंठ, पता है? इन नाखूनों से मैं क्या करूंगी? हाँ,